चमत्कार सच टी में आपका स्वागत है परमेश्वर के लोगों आज मैं एक आपको गवाही बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर के जो वादे हैं कि मैं धूल में से उठाऊँगा और ऊंचाइयों पर लेके जाऊँगा पतवंतों में बैठाऊँगा हाकमों के संग बैठाऊँगा तो परमेश्वर ने इस परिवार के जीवन में बहुत काम किया है आज हम इनके घर पर यहाँ आए हुए हैं और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है आप हैरान हो जाएंगे ऐसा भी होता क्या हाँ प्रभी में ऐसा ही होता है क्योंकि प्रभी के नाम में सब कुछ हो सकता है ठीक है तो आ, हमारे बीच में बबलू बबलू हाँ बबलू सिंह है तो आ, मैं इससे बात करूँगा लेकिन मैं खुद आपसे कुछ आ, पहले आ, ये इनकी पत्नी है मैं कुछ आपसे कुछ बताना चाह रहा हूँ दिखाना चाह रहा हूँ आप देखिए ये पहले इनका मकान था ये ठीक है ये ये कच्चा मकान था ये आप इसको देखिएगा थोड़ा झूम करके दिखा दे चाहे है न आ, अगर ये दिखाई दे आप आप इसका हालात देखो इसके है ना ये कच्चा था कैसे है ये ऊपर से नीचे तक और ये देखो कच्चा कैसे है है ये पूरा ये कमरे का क्या हाल है ये कच्चा ऊपर ऊपर से यहाँ देखा ना ना तो ये यहाँ ऐसे ये यह हाल है और ये ऐसे ही ये कमरा है और आ, 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 अंदर ये कच्चा था जो छत थी इसकी वो कच्ची है अंदर से और अब ये दीवार देखिएगा इसकी फट्टे की है ना शायद आप समझे पता नहीं मुझे ईंटों की नहीं थी ये दीवार ये फट्टे लगे हुए थे फट्टे से थी तो ये आ, कच्ची मिट्टी की है ऐसा आपको मैं बताऊं तो ये सब पूरे का पूरा यह कच्चा था लेकिन ऐसा क्या हुआ ठीक है ऐसा क्या हुआ कि अब ये देखो नई बिल्कुल चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई है ठीक है तो अब ये नई ब्रिजा गाड़ी इन्होंने बिल्कुल नई ली है और ये इनका इधर से आप देखना शुरू कर लीजिएगा ठीक है ये देखो इनका घर बना हुआ ये पूरा घर बना है ये मकान बने हुए हैं और पीछे जब आप देखोगे तो वो पूरा मकान बना हुआ है फिर इधर से आप देखिएगा ये इनका मकान बना हुआ है ये मकान इधर बना हुआ है इधर सब बड़ा मकान बना हुआ है इनका तो ये पूरा मकान जो बना हुआ है ये पक्का बना हुआ है और यह नीचे आप आप देखो यहाँ से ये पक्का है ठीक है टाइलें लगी हुई हैं और ये देखो यहाँ पर मार्बल लगा हुआ है ठीक है तो यह, यह मार्बल है तो परमेश्वर के लोगों मैं ऐसे ये कहना चाहता हूँ ऐसा क्या हो गया अभी मैं आपको बार भी दिखाऊँगा जैसे बार दिखाऊँगा आपको आपको पता चलेगा इनका खेत मैं दिखाता हूँ आपको ठीक है तो ऐसा क्या हो गया कि ये कच्चे कमरे अभी जो एक निशानी रखी हुई है इन्होंने ऐसे कच्चे कमरे नीचे से कच्चे दीवारें कच्ची हैं शत कच्ची है तो एकदम ये इतना बड़ा मकान और गाड़ियाँ और ये सब नीचे फर्श लगे हुई हैं ये कैसे सब कुछ हो गया और उसका एक ही कारण है वो है प्रभु यीशु मसीह वो है प्रभु मसीह सी इनके ऊपर बहुत से केस थे ना कोर्ट केस थे बहुत से बहुत सी समस्याओं में घिरे हुए थे परेश मसी एक, एक करके सभी कोर्ट केसों में इन्हें विजय देते गए ठीक है इन इन्हें विजय देते गए ये जीतते गए जीतते गए जीतते गए जीत इनके पक्ष में सब कुछ होता गया ए, एक बार तो वो आपकी जमीन का क्या हुआ था क्या कहते नीलामी हुई थी बैंक की नीलामी बैंक की नीलामी मतलब आपने बैंक कर, है ना तो नीलाम कर दिया तो फिर नीलाम हो गया तो इसका मतलब वो तो उनकी होगी जमीन नीलाम हो जाती है तो उन्होंने केस चला हमारा फिर हमारे हक में हो गई और पैसा भर दिया तो नीला जो नीलामी होती है वो टूटती तो, तो नहीं है नहीं टूटती हाँ वो सरकारी, होगी। सरकारी हो सरकार की होगी ऊपर हो। वो नीलामी नहीं टूटती नहीं है जो जमीन नलामी होगी वो टूटती नहीं है लेकिन पर भी मसीह ने ऐसा चमत्कार किया कि तो वो जमीन जो है आपको वापस मिल गई और नीलामी जो है वो टूट टूट गई टूटगी है ना और बैंक का कर्जा भर दिया बैंक का कर्जा आपने भर दिया तो मुझे याद है जब इसके पापा और इसकी मम्मी हैं ये और ये वहां पर हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि ऐसा ऐसा है हमारा तो नीलामी हो गई है हमारी ज़मीन की हमारा सब कुछ गया चला गया पास्टर जी और इन्होंने एक मन्नत मानी थी कि हम लोग ये मन्नत देंगे चमत्कार चर्च में और परमेश्वर अगर हमारे पक्ष में फ़ैसला कर दे और परमेश्वर ने इनके पक्ष में फ़ैसला किया मैं आपको बताऊँ मुझे शायद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए ऑन रिकॉर्ड वकील और उसका नाम नहीं लेता मैं वकील और और जो थे वो सब हैरान हो गए इस बात को लेकर भी ये नीलामी हो चुकी है और सब कुछ कंप्लीट हो गया और ये कैसे टूट कैसे गया इनके पक्ष में कैसे होगा जब नीलामी हो गई सबको नीलामी कर दिया जमीन को नीलाम कर दिया नीलामी होगी सरकारी जमीन होगी सब कुछ हो गया तो फिर इनके पक्ष में कैसा कर दिया वो है प्रभु यशमसी जिसने इनके जीवन में काम किया तो ये प्रार्थना में आते रहे और हम लोग प्रार्थना करते रहे सब मिलकर और जैसे प्रार्थना करते रहे इसका भाई है अमरजीत और ये सब इनके परिवार के लोग हैं तो परमेश्वर ने इस इन्हें विजय दी और मैं आपको दिखाता हूँ इनका खेत अब आप इनका खेत को देखिएगा कैसे परमेश्वर ने ब्लस किया हुआ है कैसे आ, वो कितने करोड़ों लाखों करोड़ों की जमीन है वो जो आपकी थी वो जो आ, जारी थी आपके हाथों से है ना लाखों करोड़ों रुपए की जमीन जो थी इनके हाथों से जा रही थी जो हाथों से जा नहीं रही थी गई चली थी है ना गई चली थी जो परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया वापस वापस की कितने ही केसों में से जो केस थे वो उनके ऊपर परमेश्वर विजय देते गए और ये लोग ऐसे हैं पर, पर प्रभु का नाम लेकर अपने पाँव कदम बढ़ा देते हैं और जैसे अपना कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर ने सफलता देते हैं और पिछले समय से हमारे साथ लगातार चल रहे हैं चर्च में चमत्कार चर्च के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर ने ब्लस करता है परमेश्वर ने आशीष कर रहा है आपको मैंने इसलिए दिखाया हम लोग यहाँ इनके घर पर आए हुए हैं इसलिए कि ये देखो कैसे कच्चे मकान थे और यहाँ से कैसे गाड़ियाँ आ गई हैं न खुद की गाड़ियाँ हैं खुद के बैकें की बात अलग है खुद की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और परमेश्वर अद्भुत काम किया है और अभी मैं आपको इनका खेत भी दिखाता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करें तो ये इनका खेत है आप आप आगे तक देखेंगे इस साइड में भी इनका खेत है ये सारा और इस साइड में भी इनका जो खेत है ये परमेश्वर ने इन्हें ब्लस किया है इन खेतों से और ये सब प्रकार की आशें परमेश्वर ने इन्हें दी है सो ये सब आशें परमेश्वर आपके लिए भी रखी हुई है परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहते हैं प्रभु आपके साथ रहें परमेश्वर से आपकी मदद करें हमें